Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. सरकार बन गई है, ऐसा लगता है कि इकोनॉमिक अफेयर्स में या इकोनॉमिक पॉलिसी के मामले में कंटिन्यूटी रहेगी, यानी कि सरकार जिस पटरी पर इस देश की अर्थव्यवस्था को ले जाना चाहती थी वो उसी रास्ते पर आगे बढ़ने वाली है। महंगाई काबू में है, महंगाई के मोर्चे पर अच्छी खबर आई है, साल भर में सबसे नीचे महंगाई का आंकड़ा आ चुका है। इसके बावजूद सिटी ग्रुप के विशेषज्ञों को, उनके एनालिस्ट को लगता है कि चार ऐसे कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से शायद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेट कट के मामले पे फिर लगाम ढीली छोड़ सकता है, यानी कि कम से कम आने वाले कुछ क्वार्टर्स में, एक दो क्वार्टर्स में आपको रेट कट शायद देखने को न मिले। और उसकी वजह क्या हो सकती है, तो वहाँ अभी की हालत अगर आप देखें तो लगभग 0.8% 0.08% की गिरावट इसमें आई है, 4.853 से 4.75% महंगाई का आंकड़ा आया है। और ऐसे में और जो कोर इन्फ्लेशन है, जिसमें आप खाने का और फ्यूल का दाम हटा देते हैं, बाकी चीज़ों का इन्फ्लेशन, इसको कोर इन्फ्लेशन, कोर महंगाई कहा जाता है, वहाँ तो 3.1% है। ये बिल्कुल नया लो है इस सीरीज के लिए, जो मौजूदा सीरीज महंगाई की 2012 में शुरू हुई थी वहां से अब तक ये एक न्यू लो उसने बनाया है। लेकिन इस सब के बावजूद, यानी उम्मीद से बेहतर आंकड़ा इसको कहेंगे, जैसा सोचा गया था उससे कम महंगाई आ रही है, यानी कि उम्मीद से बेहतर है, इसके बावजूद अगर इनको लगता है कि ऐसी चीजें हैं, तो अभी इस महीने, जून के महीने में और जुलाई के महीने में दो ऐसी चीजें होने वाली हैं जिनकी वजह से रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जब अगली बार मिलेगी तो क्रेडिट पॉलिसी में या मॉनेटरी पॉलिसी में वो शायद अपना रेट कट का मामला जो है उस पर फिर लगाम ढीली छोड़े, यानी कि रेट कट आगे टल सकता है। उसकी वजह क्या है कि एक वो कहते हैं कि जो RBI का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का असेसमेंट है रियल नेचुरल रेट्स का, रियल न्यूट्रल रेट्स का, वो जून में जो अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मंथली बुलेटिन आएगा उसमें पब्लिश होके आएगा, अगर वो कोरोना के समय के अनुमान से 0.8 से लेके 1% तक बढ़ के आता है, जो उस समय 0.8 से और 1% तक का आंकड़े का अनुमान था, अगर वहां से बढ़ के आता है इस महीने का, जून के महीने का आंकड़ा, जब जून का मंथली बुलेटिन आता है, तो यहां रिजर्व बैंक को एक कारण मिलेगा चिंता का। दूसरा, रिजर्व बैंक लगातार दो क्वार्टर, दो तिमाही 4% के नजदीक का महंगाई का आंकड़ा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को देखना चाहते हैं। 4% उनका टारगेट होता है, 2% ऊपर 2% नीचे बर्दाश्त की हद होती है, तो वो 4% के जितना नजदीक से नजदीक हो सके वो देखना चाहते हैं, कम से कम 6 महीने यानी 2 क्वार्टर्स। अगर वहां कुछ बाधा आ गई, यानी कि वो थोड़ा दूर होता हुआ दिखा फिर आंकड़ा, तो ये एक चिंता का कारण हो सकता है। तीसरी चीज है, मॉनसून के मोर्चे पर अगर कोई ऐसा नई आशंका पैदा हो गई, कोई नेगेटिव सरप्राइज पैदा हो गया, और जिसकी वजह से फिर खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ने का संकट पैदा हो गया। देखिए, इसमें सब्जी का दाम शामिल नहीं करना चाहिए, क्योंकि सब्जी सीजनल है, मॉनसून के मौसम में बरसात आती है तो सप्लाई लाइन कटने की वजह से फल सब्जी के दाम बढ़ते हैं। उसको छोड़कर अगर मॉनसून ने कोई नेगेटिव सरप्राइज दिया, मतलब मॉनसून कमजोर होता दिखा, उसका ठीक से स्प्रेड नहीं हुआ, ऐसी परिस्थिति में चिंता पैदा हो सकती है। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि जुलाई में जब बजट आएगा, जुलाई के तीसरे हफ्ते में, उस वक्त अगर कोई एक बड़ा जोरदार रूरल स्टिमुलस या लोक लुभावन फैसले का ऐलान हो गया, जिससे कि भारी खर्चा सरकार करने लगे और जिससे महंगाई बढ़ने का डर पैदा हो जाए, तो ये चार सिनेरियो हैं जिनकी वजह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चिंता में पड़ सकता है और वो दरें कम करने का अपना फैसला डाल सकता है। और ऐसी सूरत में फिर जो लोग अब ब्याज दरें कम होने का इंतजार कर रहे हैं, उनको शायद और लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। ये सिटी का कहना है अपनी एक रिसर्च रिपोर्ट में। बिजडा में आज इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार। बस तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन
एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में तीन तरह के प्लान हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के यूट्यूब चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।